हेलो दोस्तों, मैं गुड्डी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कड़ी। उसके लिए हमने अंडे ले लिए हैं, उसको हमने उबाल के छील के इस तरह से कट लगा लिया ताकि मसाले इनमें अच्छे से घुस सके। और ये हमारे टमाटर और प्याज, इनको हमने अच्छे से कट कर लिया है। ये हमारे अदरक लहसुन और गर्म मसाले हैं, इनको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। जीरा मरीच, लौंग, इलायची और बड़ी इलायची है, इनको हमने रोस्ट कर लिया है। सबको हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इनको अंडे को फ्राई करेंगे। इनको लाल कर लेंगे अच्छे से, इस तरह को अंडों को अच्छे से फ्राई करके फिर इनको बाहर निकाल देंगे। हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, हमारा तेल गर्म है। हम पहले इसमें तेज पत्ता डालेंगे, हमारे मसाले तैयार हैं। उसके बाद प्याज, ये डाल दिया हमने अपना उसमें तेज पत्ता और प्याज। उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। हमारे प्याज भून चुके हैं, हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला, और इसी में हमारा धनिया भी है। इसे मिक्स करेंगे 5 मिनट तक, और उसके बाद हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे। ये मसाले हमारे भून गए हल्के, हम इसमें टमाटर डाल देंगे अपने। टमाटर के बाद हम इसमें धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा धनिया गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अब इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक कि तेल ना छोड़ दे। ये देखिए हमारे मसालों में से कितना अच्छा तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें अपना थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये भी लगाएंगे। हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। हमारी अंडा कड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म अंडा कड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम वाले फॉलो कीजिए। थैंक यू।